नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, केम चो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑसबर्ट सर और आज आपके सामने दो वर्ड्स पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और अगर आप ये दो वर्ड्स यूज करते हो तो लोग आपके इंग्लिश के फैन हो जाएंगे। बहुत ही जहर ट्रिक है। तो दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है इनफेक्ट। क्या है दोस्तों इनफेक्ट? इसकी हिंदी पहचान होती है असल में। क्या होती है असल में? अब जो इनफेक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए लगता है। पॉजिटिव सेंटेंस बोले तो एक अच्छी खबर, यानी जब भी अच्छी खबर है तो आप इनफेक्ट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनफैक्ट आई एम गोइंग टू मैरी। बस मजाक है, ठीक है। इनफैक्ट सलमान खान इज गोइंग टू मैरी विद कैटरीना कैफ। देख सकते हो आप इनफैक्ट, यानी जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बोले, और हिंदी में भी बोल सकते हो इनफैक्ट यार मैं ना बहुत खुश हूँ आज, यानी एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि मैं खुश हूँ। अब दूसरा वर्ड है हमारा एक्चुअली। क्या है दोस्तों एक्चुअली? इसका मतलब ये होता है असल में, लेकिन जो एक्चुअली होता है वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? नेगेटिव। अब नेगेटिव बोले तो एक बुरी खबर। फॉर एग्जाम्पल यार मैं ना शादी में जाने वाला था, बट एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली क्या हुआ? मैंने ज्ञान, क्योंकि ना यार गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना था। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली मैं ना शादी करने वाला था लेकिन करा नहीं। एक्चुअली यार इंग्लिश आने वाली थी लेकिन सीख नहीं पाया। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। दोबारा याद दिला रहा हूं, इनफैक्ट होता है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए और एक्चुअली होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल इफ यू लाइक।